ये देखें जी, ये हम खड़े हैं पेडिस्टल ब्रिज पे। पेडिस्टल ब्रिज के साथ ही जो है उल्टे हाथ पे गली जा रही है, जिसमें जुम्मा गुज्जर निहारी नर छुआरों के साथ जो है ये दूध जो है ये पकाते हैं। एक किलो गर्म दूध लेने आया था, एक किलो गर्म दूध है भाई। 12 घंटे जो है इसको पकाया जाता है, मतलब वो भी जो है आप जब खाएंगे तो जूसी टाइप का बिल्कुल। क्या यार ये देखें कैसी मलाई आई हुई है इसके ऊपर। सर्दियों में जब एक प्याला अगर आप पी लेंगे ना, तो मतलब सर्दी तो जो है ना करीब ही नहीं आएगी आप। इसमें नर छुआरे के अलावा जो है इनमें जो है बादाम पिस्ते मलाई देखें आप कैसी आ रही है। ये है जी नर छुआरे की हालत, देखें आप क्या हो चुकी है, जूसी टाइप का हो चुका है बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, आज हम आए हुए हैं जुम्मा गुज्जर निहारी। नर दूध और लस्सी भी अवेलेबल है, चलें आइए। ये देखें जी, ये है असल चीज़, नर छुआरों के साथ जो है ये दूध जो है ये पकाते हैं। यार कितनी देर पकाते हैं ये? सुबह दोपहर दो बजे से पक रहा होता है। 7-8 घंटे पकता है ये? 7-8 घंटे नहीं, लगातार 12 घंटे। 12 घंटे पकता है? 2 बजे तक दूध चलता रहता है, जब तक पकता ही रहता है। अच्छा, ये सुबह कम से कम 7-8 घंटे पकता है? पहले 5-6 घंटे अंदर पकता है, फिर 6-7 बजे डालते हैं, फिर इधर पकता ही रहता है। इधर पकता रहता है, नर छुआरे जो है डाले जाते हैं इसमें। और जो ये कितने का एक गिलास है? 100 रुपये पाव। क्या कह रहे हैं भाई, आप कुछ कह रहे थे? एक किलो गर्म दूध लेने आया था। अच्छा, एक आवाज़ तो लगा दे यार। एक किलो गर्म दूध है भाई ये। अच्छा अच्छा, तो आने कितने ऊपर बैठ जाए। अच्छा, 100 रुपये पाव है, सही। ये देखें जी, नर छुआरे में जो है बना हुआ है ये, कम से कम 10-12 घंटे जो है इसको पकाया जाता है। और उसके बाद इसका कलर देखें आप, पूरा येलो टाइप का हो गया है यार, ये येलो हो गया है बिल्कुल। और पक पक के, और ये देखें छुआरा देखिएगा ऐसा हो गया जूसी, बिल्कुल मलाई जैसा हो गया, मतलब वो भी जो है आप जब खाएँगे तो जूसी टाइप का बिल्कुल नरम हो चुका है, इतना पक चुका है ये। ये 100 रुपये का, ये देखें जी, एक पाव ही 100 रुपये का। ये 100 रुपये का जो है दूध है नर छुआरे का। अच्छा, और क्या यार ये देखें कैसी मलाई आई हुई है इसके ऊपर। और इसमें क्या डाला जाता है यार? अच्छा, इसमें बादाम पिस्ते जो है डाले जाते हैं इसमें, पीस के जो है। पीस के नहीं, मतलब सब कटे हुए होते हैं, कटे हुए होते हैं मलाई पे डाले। मगर ये है कि ये सर्दियों की तो यार बेहतरीन सौगात है, मगर ये मैंने कहीं और नहीं देखा ऐसे, यानी कि जो है ये नर्म छुआरे में जो है पके हुए जो है दूध के साथ। मतलब ये बहुत से लोग जो होते हैं कि है ना, जलेबियों में या फिर आम छुआरों में जो है बनाते हैं ये, सही है ना, मगर ये नर छुआरों में जो है ये आपके पास ही मैंने देखा है। तो इसके आपका ना कितने कैसा है, यानी कि रिस्पांस कैसा है? आपका नया फर्स्ट टाइम आपका ये है ना? नहीं, कम से कम इसको 15-20 साल हो गए। नहीं, ये जो है आप है ना दूध का जो है ये काम जो है 15-20 साल से हर, ये मतलब सर्दियों में होता है, ये हर सर्दियों में होता है 2-2.5 महीने। अच्छा, नर छुआरे का, सही। तो आप लोग की क्या टाइमिंग है इसकी? ये 8 बजे ये 8 बजे ये 8 बजे सुबह 8 शाम को 8 बजे से शुरू हो जाता है, सही। ये देखें जी, ये शाम में जो है, रात में 8 बजे जो है ये स्टार्ट होता है। और रात को कितने बजे तक रहता है ये? रात को एक डेढ़ बजे तक जो है चलता है ये दूध जो है। और इधर लोग बड़ी दूर दूर से जो है ये नर छुआरे का जो है पका हुआ 10-12 घंटे जो है दूध ये पका हुआ जो है लोग पीने के लिए आते हैं। ये देखें, ये है नर छुआरे का, और बिल्कुल पिंक। किस कलर का हो, येलो है या पिंक कलर का है? गोल्डन कलर हो गया है, देखिए आप दूध कितना पक चुका है, इसका कलर भी जो है ना गोल्डन हो चुका है इस दूध का। और ये सर्दियों में जब एक प्याला अगर आप पी लेंगे ना, तो मतलब सर्दी तो जो है ना करीब ही नहीं आएगी आपके, इतना ताकतवर यानी कि ये होता है ये दूध जो है नर छुआरे का, कि आपको जो है लाजमी पीना चाहिए।
ये देखें जी जुम्मा गुज्जर नेहारी पे जो है लस्सी का भी एहतमाम है और इनके ख़ास कस्म की जो है मशीन है ये देखें जी, मशीन में बनाते हैं ये लोग और सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं ये देखें जी। ओए होए 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 होए, मतलब फुल लाहौर वाला माहौल है, कराची वालों को जो है फुल हैवी कस्म का जो है खाने के बाद जो है फिर हैवी कस्म की लस्सी भी मिलेगी। ओहो, हर चीज़ अवेलेबल है ये देखें, बग़ैर बर्फ़ की है भाई, ये बर्फ़ तो है ही नहीं इसमें, खालिस दूध, इनका अपना डेयरी फार्म है ना, इनका अपना डेयरी है ना जी, इनके अपने बाड़े हैं और दही भी इनके लोग खुद बनाते हैं। आप क्या वो देखें, आपका नाम रेहान, रेहान भाई ये जो है ये मशीन के बारे में तो कुछ बताएं, ये क्या आप लोग इसी में बनाते हैं क्या? इसी में बनाते हैं ये मशीन है जी, ये देखें ये इस मशीन में बनाते हैं, तो वो मैनुअली जो होता है उसमें नहीं बनाते, डॉल वगैरह में बर्फ से होती है। अच्छा, इसमें ठंडा होता है, इसमें ठंडा रहता है ये, और माशाल्लाह से सफाई भी बहुत है यार आप लोगों की, जो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इधर जो है गुज्जर नेहारी पे जो है इनका जो है ये बहुत सफाई सुथराई जो इन्होंने बहुत रखी हुई है इधर, और ये इसके ऊपर मलाई डालते हैं, ये देखें ये मलाई भी डाल के देते हैं इसके ऊपर लस्सी को। कितने का गिलास है? 120 रुपये का एक गिलास है, ठीक है। और ये दूध गर्म हो रहा है इसके लिए, ये लस्सी के नहीं हो रहा है, ये दही के नहीं हो रहा है, इतना दही बनेगा इसका, ये देखें जी ये दूध जो है इनका गर्म हो रहा है दही के लिए, ये देखें देखें। कितना किलो का दही रोज़ाना बनता है? ये पाँच मन का दही बनता है, ये रोज़ाना जो है पाँच मन का दही आप लोग डेली बनाते हो लस्सी के लिए? लस्सी के लिए वो बैठे, मतलब ये दही इतना दही आप कहाँ, लस्सी के लिए होता है और भी किसी के लिए होता है, किसके लिए? सेल करते ना। अच्छा, सेल आउट के लिए भी है आपका, सही है। और ये क्या है, ये मशीन? ये दूध की मशीन है, ये देखें जी इधर जो है इसमें जो है दूध ख़राब नहीं होता, इसको क्या कहते हैं, चिलर, इसको हम कहते हैं दूध वालों की जबान में चिलर, ये देखें जी ये है इनके पास, गुज्जर वालों के पास, गुज्जर नेहारी वालों के पास ये इनके जो है चिलर भी रखा हुआ है। और ये 30 मन का रोज़ाना का कितना दूध सेल हो जाता है? 50-60 मन हो जाता है सेल आउट, सही है भाई, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है इनका सेटअप है भाई दूध का इसको। बाबा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बाबा, दूध पी रहे हैं खामोशी से हैं? कौन सा दूध पी रहे हैं? ये खालिस दूध पी रहे हैं आप हैं, मतलब घर वाले दूध में तो मज़ा ही नहीं आता ना, मतलब ये है सही, यानी कि छुआरे वाला नर छुआरे का दूध पी रहे हैं आप, है ना? रोज़ पीने आते हैं बाबा जी? बिल्कुल, रोज़ाना आते हैं? अच्छी बात है, सेहत सेहत है तो सब कुछ है, सेहत के बाद ही सब कुछ होता है, क्यों भाई, सही बात है ना। चलें आप पीजिए आप आराम, शुक्रिया बहुत। आप ये डेली कॉलोनी से आए हैं, इतनी दूर से ये नर छुआरे का दूध लेने? जुम्मा की नारी का सुन के आया हूँ। जुम्मा की नारी आपने ली? आपने जी जी खाई? आपने लेके जा रहा हूँ घर जाके। अच्छा, लेके घर जाके खाएंगे फैमिली के साथ? ठीक है, लेते हैं देसी घी के तड़के के साथ लिया आपने? ठीक है, तो ये आप फर्स्ट टाइम लेके जा रहे हैं? ये फर्स्ट टाइम ले आओ। और देसी ना नहारी जो है आप ये सब पहली बार लेके? ये पहली दफ़ा खा रहे हैं। चलें शुक्रिया। ये देखें जी ये आए हुए हैं बहुत दूर से आए हुए हैं, ये जो है नर छुआरे का जो है दूध लेने के लिए, और देसी तड़के की नहारी जो है वो लेने आए हुए हैं। अच्छा, इसमें नर छुआरे के अलावा जो है इनमें जो है बादाम पिस्ते और क्या क्या चीज़ें होती हैं? बादाम पिस्ते और नर छुआरा जो है इसमें मिक्स किया जाता है और 10 से 12 घंटे जो है इसको पकाया जाता है। इसका कलर देख के आप लोग खुद बता सकते हैं कि ये देखें किस कलर का हो चुका है पक पक के जो है, और इसकी जो ताकत का है जितना पकेगा इतनी ज़्यादा जो है ताकतवर यानी कि जो है ये मिल्क हो जाता है, यानी कि इसका सब जूस निकल जाता है बादाम पिस्तों का और नर छुआरे का। दूध पीना है? अच्छा, दूध लेना है, कहाँ से आए हो? तीन अट्टी से जो है नर छुआरे का और बादाम पिस्ते का जो है दूध लेने आए हो। कितना रोज़ाना पीते हो हैं? लग रहा है तुमने सर्दियों से स्टार्ट किया है, तुमने ताकत पकड़ना शुरू कर दी है इस दफ़ा, हैं? सही कह रहा ना? तो कैसा लगा तुम्हें दूध, मज़ा आता है?
मतलब घर में तो तुम पीते नहीं होगे जो दिया जाता होगा गिलास में डाल के, आम दूध तो पीते नहीं होगे, ये वाला दूध जो है तुम पीने आ जाओ के तुमने देखा नर्स वारे गए पियो ताकत आएगा। सही बात है, ये पिया करो, एक कप भी पी लोगे ना एक पाव भी वो एक किलो के बराबर होगा। ठीक है चलो क्या ले बहुत मैं मलाई देखें आप, ये मलाई देखें आप कैसी आ रही है, इतनी मोटी मलाई कि आपको ये घर के दूध में नहीं मिलेगी ऐसी मलाई, और इतनी ताकतवर है। ओह ये चुहारे देखें आप, नर चुहारा तो दिखाएं यार एक ज़रा, इसकी शक्ल कैसी हो जाती है पक पक के, एक ज़रा नर चुहारा पकड़े अंदर से यार अपने, पकड़ना पड़ेगा यार इसको तो। हाँ ये देखें, ये है जी नर चुहारे की हालत देखें आप क्या हो चुकी है, जूसी टाइप का हो चुका है बिल्कुल, और जब ये आप खाएंगे तो बिल्कुल जो है मलाई जैसा और जूस जैसे होता है ना मुंह में रखेंगे और ये घुल जाएगा। ये देखें ये ज़बरदस्त, बहुत ही आला यार, थैंक यू यार। इनका लस्सी का सेटअप देख लें, ये जुम्मा गुज्जर नेहारी वालों का जो है लस्सी का सेटअप है ये, और ये इनका जो है दूध का है चिलर लगा हुआ है इनका, 30-40 मन का दूध का जो है चिलर लगा हुआ है, और ये जो है इनका काउंटर है दूध और दही का सेल आउट करने का, ये इनके अपने बाड़े हैं दूध के भैंसों के, यानी के जो है इनके अपने बाड़े हैं और उधर से खालिस दूध आता है ये। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपका नाम? मेरा नाम यूशा साहब। ये जो है अपना दूध और दही अपना जो लस्सी है, ये लस्सी का ये कुछ बताएं यार, मशीन वगैरह में आप तैयार करते हैं? ये लस्सी की मशीन है अपने पास, हाथ वाला सिस्टम जो है अब जदीद दौर है। हाँ तो वो खत्म। अच्छा तो हाथ वाले दौर में जायका होता वो था अपना, इसमें भी जायका वैसी आता है इसमें, मतलब रनिंग के हिसाब से है ना। हाँ तो वो हाथ वाले में नहीं होता कवर रश। अच्छा तो उसके लिए ये बेस्ट है, इसमें भी जो है कोई वो नहीं है, जायके का सेम है जायका। अच्छा सेम जायका है, हम लोग जो बनाते हैं इसमें बर्फ नहीं डालते? नहीं बर्फ नहीं डालते, ये अच्छी बात है ना, बर्फ डालने से तो जायका खत्म ही हो जाता है। वो लगा हुआ है कंप्रेसर। अच्छा कंप्रेसर लगा हुआ है, वो जो है कूलिंग जमा देता है। तो आप लोग क्या अपनी डेयरी फार्म? जी हमारे डेयरी फार्म से आता है दूध अपना है जी। अच्छा भैंस कॉलोनी से? भैंस कॉलोनी से जो है आपका अपना, यानी कि जो है दूध का जो है सेटअप है सारा। तो ये क्या किलो चल रहा है आजकल आप लोग? अभी 190 हुआ है, पहले 180 था, ये एक हफ्ता हुआ है तो 190 रुपये रेट हुआ है, 10 रुपये बढ़ गया। खालिस दूध है यार आप लोगों का, दूध अपना एक नंबर बिल्कुल। आप आए इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। चलो शुक्रिया बहुत बहुत। ये देखें जी इन्होंने बताया इनके जो है अपना जो है भैंस कॉलोनी में जो है डेयरी फार्म है, और उधर ही से इनके दूध आता है, और उसी दूध के जो है ये नर छुआरा और दही लस्सी और ये है नर छुआरे का जो है पकाने का जो सेटअप है। ये देखें जी ये नर छुआरे का जो है पकाने के लिए भी जो है ये असली खालिस दूध जो है ये अपने डेयरी फार्म का जो है इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आप ये देखें असली दूध का जो है पहचान यही है कि वो जो है गोल्डन टाइप का जो है पकने के बाद जो है हो जाता है। ये सारा कलर जो है येलो कस्म के जो है नर छुआरों का नहीं है भाई, ये असली दूध का भी कुछ हिस्सा होता है इसमें जी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, हमने जो है आप लोगों को दिखाया कि नर छुआरे का जो है हमने आपको दिखाया कि कैसे लोग दूर दूर से जो है यहाँ पर जो है पीने के लिए आते हैं, और इनका डेयरी फार्म का जो है दूध वगैरह के बारे में आपको बताया, लस्सी के बारे में बताया, और इसकी जो लोकेशन है वो है लियाकताबाद। अगर लियाकताबाद डाखाने ब्रिज से जब आप आएंगे पेडिस्टल ब्रिज आएगा उसके साथ ही जो है पेडिस्टल ब्रिज के साथ उल्टे हाथ पे जो है गली है जिसमें जो है ये जुम्मा गुज्जर नेहारी मौजूद है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दुआओं में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।